Good morning everybody, I am C.S. Sumit Goyal. Today we are going to start plus 2 accounting topic, retirement of partner. अब तक आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर किया था और एडमिशन ऑफ पार्टनर पे किस तरह की काउंटिंग प्रॉब्लम वी हैव टू सेटल ऑल, तो उस टाइप की ही प्रॉब्लम हमें क्या है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में फेस करनी पड़ती है. तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होगा, सपोज के ए बी सी आर पार्टनर, इनका रेशियो है सपोज 3:1, बी वॉन्ट्स टू गेट रिटायर, वॉन्ट्स टू गेट रिटायर. अगर ये रिटायर होना चाहता है फर्म से और अदर दो पार्टनर जो रह गए रिमेनिंग ए एंड सी, ए एंड सी विल कंटिन्यू द फर्म, वो फर्म को चलाएंगे लेकिन बी विल गेट रिटायर्ड, बी चला जाएगा फर्म से. इसे क्या बोलेंगे, दैट इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. फर्म विल कंटिन्यू द बिजनेस, ए एंड सी रिमेनिंग पार्टनर है, ए एंड सी रिमेनिंग पार्टनर, दे विल कंटिन्यू द बिजनेस, दे विल कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ फर्म. बट कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, मींस तीन पार्टनर थे, रेशियो ये था, अब रेशियो भी क्या है चेंज हो सकता है. अब तक जो प्रॉफिट आता था वो एबीसी शेयर करते थे, बट फ्यूचर में अब कौन शेयर करेगा, एबीसी नहीं ओनली ए एंड सी, इसका शेयर जो सेक्रीफाइस होगा विल बी गेन्ड बाय ए एंड सी रिमेनिंग पार्टनर. तो वो किस रेशो में गेन होगा, ये अपना सेक्रीफाइस करेगा शेयर, उसके लिए गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन होगी, वो सारी डिस्कशन हम करेंगे. बिजनेस विल कंटिन्यू, इसमें बिजनेस बंद नहीं होगा. फर्म जो है, तीन पार्टनर की फर्म थी वो खत्म हो गई है, अब दो पार्टनर की फर्म है, वो बिजनेस को कंटिन्यू करेगी, बिजनेस बंद नहीं होगा. अब ये जो रिटायरमेंट है या दैट इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रेशियो बदलेगा, ये इसके रीजन क्या हो सकते हैं. क्या होता है कई बार जो बी पार्टनर है वो फिजिकली फिट नहीं है कई बार, तो ऐसी सिचुएशन में वो कोई ऐसा बिजनेस करना चाहता है जिसमें पैसिव वे में इनकम कमा सके, तो ये फर्म से क्या होना चाहता है रिटायर, या इस फर्म में अच्छे प्रॉफिट नहीं दिख रहे तो बंदे को लगता है कि और कोई प्रॉफिटेबल वेंचर में मैं पैसा लगाऊं तो जाना चाहता है, कैपिटल विड्रॉ करना चाहता है. क्यों, क्योंकि ए और सी से रिलेशन अच्छे नहीं है, इसे लगता है कि ये रिस्पेक्ट नहीं करते हैं मेरी, आपस में इनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो व्हाटएवर द रीजन बी इज गोइंग टू गेट रिटायर, बी जा रहा है ओके. और फर्म से रिटायर होना है तो उसके मेथड क्या है, पार्टनर पार्टनर कैन गेट रिटायर्ड फ्रॉम फर्म, कैसे जा सकता है, बाय बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट या म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर. देखो ऐसा है कि सपोज ए बी सी डी आर पार्टनर्स, इन्होंने आपस में बैठ के मीटिंग की कि भाई बी ये जो जाए यहां से रिटायर होना चाहता है, और इन्होंने कहा ओके यू कैन गेट रिटायर, तुम्हारा पैसा हम सेटल कर देंगे, जो पैसा कैपिटल का या जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स फर्म में जो भी है हम तुम्हें पे आउट कर देंगे. आपस में म्यूचुअल कंसेंट से उन्होंने डिसाइड किया कि बी रिटायर होगा, तो यस ही कैन गेट रिटायर, वो हो सकता है, या बाय द अग्रीमेंट एज पर डीड या एज पर द प्रोविजन ऑफ डीड, डीड में लिखा हुआ था कि हां इस पीरियड के बाद पार्टनर बी रिटायर हो जाएगा. जैसे सपोज के बी को क्या है फॉरेन शिफ्ट होना है, बी को जब इन्होंने फर्म बनाई तो बी ने पहले कह दिया था कि मैं 31 दिसंबर 2021 में इंडिया से जाऊंगा, मुझे यहां से जाना है, सेटल होना है, उस पर्टिकुलर पीरियड तक मैं पार्टनर रहूंगा, या बंदे ने वीजा अप्लाई कर रखा है कि मेरा जब वीजा वहां पे वर्क परमिट मुझे मिल गया
तो मैं जाऊंगा यहां से, डीड में एक और था और उसका परमिट लग गया तो नेचुरल वो जाएगा, तो एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड ही कैन गेट रिटायर्ड, तो कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, वो जा सकता है। डीड के प्रोविजन के अंदर ऐसी कुछ सिचुएशन मेंशन है कितने पीरियड बाद जाऊंगा ऐसा कुछ, या म्यूचुअली बैठ के आपस में डिस्प्यूट हो रहा है, आजकल तो हस्बैंड वाइफ भी बैठ के बिना लड़ाई झगड़े के डाइवोर्स ले लेते हैं, अब कल्चर ऐसा आ गया ना डे बाय डे, ठीक है, पहले तो क्या था ऐसा लड़ाई झगड़े एक दूसरे पे एलिगेशन, आजकल क्या है मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, हस्बैंड वाइफ को लगता है जी हमारी थिंकिंग अलग अलग है, हम आपस में ज्यादा देर इकट्ठा नहीं चला सकते लाइफ को, तो ऐसे फालतू में झगड़ा एक दूसरे पे एलिगेशन का क्या वजह है, ठीक है, म्यूचुअली बैठ के फैमिलीज डिसाइड करती हैं, डिवोर्स हो जाता है, बिल्कुल वैसी पार्टनरशिप को म्यूचुअल अग्रीमेंट से खत्म कर दो तो वो भी एक अच्छा है, बाय नोटिस टू अदर पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, पार्टनरशिप के टाइप अपा फिर कभी पढ़ेंगे, पार्टनरशिप एट विल बताता हूं क्या है, ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें कोई पीरियड फिक्स नहीं होता, नो पीरियड इज फिक्स्ड, भाई कब तक पार्टनरशिप चलेगी कोई पीरियड फिक्स नहीं होता, जब कोई पार्टनर दूसरों को नोटिस दे दे के फर्म डिसॉल्व करो तो फर्म बंद भी की जा सकती है, या कोई पार्टनर कहे कि मुझे जाना है, दूसरे पार्टनर को रिटर्न नोटिस दे दे, एसी को बता देता है बी कि मुझे रिटायर होना है, हमारी पार्टनरशिप कौन सी है, एट विल वाली, जब तक चाहोगे चलेगी, जब नहीं चाहोगे नहीं चलेगी। अब कोई पार्टनर फर्म भी डिसॉल्व करना चाहे तो वो कह सकता है कि यू हैव टू डिसॉल्व द फर्म, फर्म ही डिसॉल्व करो, मुझे रिटायर नहीं होना, मैं चाहता हूं तुम भी इकट्ठे ना चलो, क्या ऐसा कर सकता है, यस। कोई पार्टनर बी कहे कि फर्म इज टू बी डिसॉल्व, वो एसी कहते हैं भाई तू चला जा अपना शेयर ले ले, तेरे को दे देते हैं, हमें क्यों, हम तो दुकान ये चलाएंगे, बी चाहता नहीं मैं चाहता हूं तुम भी ना चलाओ ये दुकान, क्या ये बी कह सकता है, यस। पार्टनरशिप एट विल में ऐसा होता है, ये इसका फीचर है, जब कोई पार्टनर नोटिस दे दे दूसरों को तो फर्म कैन बी डिसॉल्व। लेकिन यहां पे अगर बी चाहता है छोड़ो यार मैं एसी को क्यों, इनको इनकी भी दुकानदारी बंद करूं, ये दुकान ये चला लेंगे, मुझे मेरे पैसे दे दें, गुडविल का शेयर दे दें, मुझे क्या, मैं चला जाऊंगा, तो वो नोटिस दे सकता है रिटायरमेंट का अदर पार्टनर को कि यू कैन कंटिन्यू द फर्म, आई वांट टू गेट रिटायर्ड, तो वो जा सकता है पार्टनरशिप एट विल। तो म्यूचुअल अग्रीमेंट बैठ के कर लो, कोई भी पार्टनरशिप हो बैठ के आपस में डिसाइड कर लो, जैसे मैंने डिवोर्स का एग्जांपल दिया, वैसे भी फर्म से रिटायर हो सकता है, या डीड के रूल के अकॉर्डिंग के इतने पीरियड के बाद कोई जा रहा है या फर्म से रिटायर होगा, फॉरेन जाना एटसेट्रा, ऐसा हो सकता है, या नोटिस दे के दूसरे पार्टनर को, कौन सी पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप एट विल में, यू कैन गेट रिटायर फ्रॉम द फर्म, जा सकते हो। तो फर्म से रिटायर होना मतलब फर्म में आपका सेटलमेंट कर दिया जाएगा, कैसे सेटलमेंट होगा, पैसे दिए जाएंगे, वो आप बात कर लेंगे अभी चैप्टर के अंदर, लेकिन दैट इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्म में तीन नहीं दो पार्टनर चलेंगे, तो इट मींस फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है, तीन की जगह अब ये रेशियो दो लोगों का होगा, पार्टनरशिप का बिजनेस चलता रहेगा। ओके, एक बात और, जब फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होता है तो लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायर हो रहा है उसकी क्या लाइबिलिटी है, एक तो है बिफोर द फॉर एक्ट्स बिफोर द रिटायरमेंट, फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। मान लो मैं यहां एग्जांपल दे रहा हूं, बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हुआ सपोज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 में रिटायर हो गया, जो ट्रांजैक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी 22 से पहले के हैं, वो काम कोई क्राइम भी किया है पहले, कोई डुप्लीकेट सामान बेचा है, या फिर रूटीन में लोन लिया है, बैंक से लोन लिया जब एबीसी थे, अब बी रिटायर हो जाएगा तो लोन बैंक बी से मांग सकता है, पता लगे कि ए सी के पास तो कुछ है ही नहीं और पैसे वाला बंदा था बी,
और पार्टनरशिप एक्ट 32 वाली पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट कब बना था ये, 1 अक्टूबर 1932 में। तो उस वक्त की जो पार्टनरशिप एक्ट की पार्टनरशिप है उसमें लायबिलिटी पार्टनर की अनलिमिटेड होती है, लेकिन एलएलपी एक्ट 2008 में बना और 2009 में इन्फोर्स हुआ। अपना हिंदू मतलब हिंदुस्तान का लॉ है वो तो ब्रिटिशर्स के टाइम बना था 32 पार्टनरशिप। तो एलएलपी एक्ट में लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो 2009 में इन्फोर्स हुआ था उसमें पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन हम जो सिलेबस में पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं वो 32 वाली पार्टनरशिप के रूल पढ़ रहे हैं जिसमें पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड। तो सपोज के मैं कहता हूं भी अच्छे खाते पीते घर का है, लोगों ने लोन दे दिया, तो लायबल कौन है, ए बी सी, सेवरली भी, अलग अलग भी और ज्वाइंटली भी। सामने वाला बैंक या लेंडर अकेले अकेले से मांग सकता है टोटल पैसा सिर्फ ए से या सिर्फ बी से या सिर्फ सी से या ए और बी से या बी और सी से या तीनों से, सामने वाले को ये राइट होता है। अगर उसे लगता है सामने वाले को कि बी वेल टू डू फैमिली से, ए सी तो हाथ खड़े हैं इनके, कुछ नहीं इनके पल्ले, तो उसे ये बी है ना, अब बी ही फर्म से रिटायर हो जाए और एसी के पास नथिंग टू पे द बैंक, तो उस केस में बैंक तो इनसिक्योर हो गया ना। इस तरह की सिचुएशन में ये बात करता है कि सपोज अगर बी जाना चाहे तो क्या उसका लोन खत्म हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वो लोन पुराना है, अक्सर लायबिलिटी बी की बनी रहेगी, लेकिन जनरली जनरली रिटायरिंग पार्टनर्स remains liable for all such liabilities related to past period। सामने वाला इससे पैसे मांग सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसी ऐसा इशू नहीं है, एसी के पास भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा अच्छा है, वेल टू डू फैमिली है, फर्म में भी कैपिटल बहुत अच्छी है, उस केस में सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है बी के जाने से, और ए बी सी के बीच में आपस में अग्रीमेंट हो गया कि पुरानी सब लायबिलिटी के लिए ए एंड सी विल लायबल। इन्होंने लायबिलिटी ले ली, हिसाब किताब कर लिया, इन्होंने बी को कह दिया यू विल नॉट बी होल्ड लायबल फॉर एनी एक्ट वेदर इट इज रिलेटेड टू पास्ट और फ्यूचर, हमारी फर्म के किसी काम के लिए तुम लायबल नहीं, मीट ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, तो वो सारी लायबिलिटी को मीट करेंगे, मीट आउट करेंगे, तो हो सकता है वो लायबल ना रहे। चलो ये बात, वैसे फर्म से जाने के बाद तो जनरली माइंड में आता है कि वो फर्स्ट 2022 से रिटायर ही हो गया, तो जब रिटायर ही हो गया तो उसके बाद के काम कौन कर रहे हैं, ए एंड सी, तो कौन लायबल होगा, ए एंड सी, नॉर्मली ये सही है, लेकिन बीज लायबल टू थर्ड पार्टी टिल द पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट इज गिवन बाय फर्म और बी। देखो बी रिटायर हो गया, दुनिया को कैसे पता, आपके बिजनेस में तीन पार्टनर है, दुनिया बी को जानती है कि वेल टू डू फैमिली का है, कल को पैसे एसी ना दे पाए, फर्म ना दे पाए तो बी को पकड़ लेंगे, अगले लोन दे रहे हैं। अब आपने बताया नहीं पब्लिक को कि बी रिटायर हो गया है, 1 जनवरी 2022 से बी जो है रिटायर हो गया है, पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर में दिया ही नहीं। उस सिचुएशन में सामने वाले ने लोन दे दिया, मान लो मार्च 2022 में या जनवरी 2022 में, कल को वो बी से मांगे और बी कहे मैं तो सर रिटायर ही हो गया था, तो सामने वाली थर्ड पार्टी कहती हमें क्या पता कि यू हैव गॉट रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, हमें क्या पता, यू आर लायबल टू पे द होल अमाउंट ऑफ लोन गिवन टू द फर्म बाय थर्ड पार्टी, यस बी कैन बी होल्ड लायबल, कोर्ट बी को लायबल कह सकता है। इसलिए फर्म से जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो तो वह इंश्योर कर ले कि फर्म खुद पब्लिक नोटिस दे दे कि हाँ हमारा ये पार्टनर रिटायर हो गया है, फर्म ना दे तो बी खुद न्यूज़पेपर में नोटिस दे दे, 500-800 रुपए का ही खर्चा आता है, कोई ज्यादा नहीं, न्यूज़पेपर में नोटिस निकाल दे कि मैं इस फर्म से 1 जनवरी 2022 से रिटायर हो गया हूं, आई विल नॉट बी होल लायबल इन एनी केस फॉर द एक्ट ऑफ ए एंड सी विद इफेक्ट फ्रॉम 1st 2022, मेरा कोई मतलब नहीं। तो वो नोटिस अगर दे दे न्यूज़पेपर में, ऑफिशियल गैजेट वगैरह में, तो बच सकता है, नहीं तो वो लायबल हो सकता है नॉर्मली।
चलो ये तो थियोरेटिकल कंसेप्ट था, आपने इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। ओके अब बात आती है अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। ठीक, अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होगा, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर पे कुछ प्रॉब्लम आती थी, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता था, वैसी प्रॉब्लम यहां पे क्या आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, किसकी? अक्सर न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। क्या है, मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से आपको ये करवाऊंगा। अक्सर स्टूडेंट इसका क्या है मीनिंग ही नहीं समझ पाते, फॉर्मूले लगा लगा के बस रेशियो निकालने पे जोर देते हैं, इसका मेन कंसेप्ट क्या है वो नहीं समझ पाते, बात करूंगा। वो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। ऐसा है, मान लो कोई पार्टनर रिटायर होगा तो असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किए बिना उसका पैसा पता नहीं लगेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो ए बी सी ने कैपिटल लगाई, ओपनिंग कैपिटल, इन तीनों ने 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख कैपिटल लगा के 6 लाख रुपए बिजनेस शुरू किया। इन्होंने एक लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की थी 5 लाख रुपए की, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद, ऑन बीज रिटायरमेंट, बी जब रिटायर हुआ, इसकी वैल्यू जो है फेयर मार्केट वैल्यू, इस प्रॉपर्टी की मार्केट में, मान लो कई बार वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी वैल्यू 35 लाख होगी। 5 लाख रुपए वाली कितनी बढ़ गई? अब बी रिटायर होगा और आप उसको ये कहोगे कि भाई साहब तेरी कैपिटल 2 लाख रुपए प्लस जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है 2 साल का दे दे, क्या वो ले लेगा 2 लाख? नहीं, वो कहेगा कि भाई ऐसा है, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग बुक्स में 5 लाख की है, अपा ने खरीदी थी, इसको आज बाजार में बेचे तो कितने की है? 35 लाख। ये जो 30 लाख रुपए का फायदा अगर अपा आज बेच दें तो 30 लाख का फायदा हम तीनों का है, 3-1 में हमारा है, तो ये 30 लाख को 3-1 में बांटा जाए और मुझे भी इसमें से 2/6, बी का शेयर कितना है 2/6, इस 30 लाख का 10 लाख मेरे को भी मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहा है। आप किसी को पार्टनर बनाओ तो क्या ऐसे बना लोगे आज कि हमारी कैपिटल 6 लाख है, 3-1, तू उस हिसाब से आ जा पार्टनरशिप में? ना, आप को जी रिवॉल्यूशन करेंगे, हमारी कैपिटल चेंज होगी। तेरे एडमिशन से पहले, एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ते थे ना, जब कोई पार्टनर न्यू पार्टनर आता था तो क्यों करते थे रिवॉल्यूशन? आधों ने तो क्या एडमिशन ऑफ पार्टनर में रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया, उसका क्रक्स समझा ही नहीं। भाई आपने 6 लाख लगा के दुकानदारी शुरू की, उस वक्त लैंड खरीदी 5 की प्लस छुटपुट और फर्नीचर वगैरह खरीदा। अब थोड़े दिन बाद एक पार्टनर और आके कहे मुझे पार्टनर बना लो, जो इनका फ्रेंड ही है, पहले पार्टनर बना नहीं, अब कहता है मुझे पार्टनर बना लो। बना लेंगे, पर ठहर, उस वक्त जो जमीन हमने 5 लाख की खरीदी अब वो 35 लाख की है, तो तुझे भैया हमारी कैपिटल 6 लाख दिख रही है, 6 नहीं, 30 लाख लैंड की वैल्यू बढ़ा के हम असेट्स में 35 लिखेंगे, तो 30 लाख हमारी प्रॉफिट जो है बड़ी हुई लैंड का, वो तीनों की कैपिटल में बढ़ेगा, तो हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 36 लाख। उसके अकॉर्डिंग पार्टनर बनाएंगे तेरे को, तुझे ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। ऐसा ही बिल्कुल रिटायरमेंट में, जब ये बी रिटायर हो रहा है तो 2 लाख नहीं लेगा, ये किस में शेयर लेगा? असेट्स और लायबिलिटी का रिवॉल्यूशन करवाएगा। डाउन हुआ है लॉस तो कम भी होगी कैपिटल, और अगर फायदा है तो कैपिटल में ये फायदा ऐड भी होगा, तो उसे अपा रिवाइज वैल्यू पे करेंगे, वही पैसे वो लेगा। तो बिल्कुल एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरह रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी रिवैल्यूएशन की जरूरत है। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, बिल्कुल जैसे एडमिशन में गुडविल का शेयर न्यू पार्टनर से लेते थे, अब ये शेयर किसको देना है? बी को। कैसे? वहां सेक्रीफाइस करते थे रेशियो, उसके अकॉर्डिंग यहां गेनिंग रेशियो होगा। कैसे होगा डिटेल में डिस्कस करेंगे, गुडविल का शेयर बी को कैसे देंगे उसकी डिस्कशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस इन बैलेंस शीट, जो भी पड़ा है प्रॉफिट वो किसका है? पुराने वालों का। सपोज
आप एडमिशन में भी क्या करते थे, जर्नल ऑफ पी एंड एल पुराने पार्टनर में बांट देते थे नए से पहले, क्योंकि वो था ही उनका। अब अगर बैलेंस शीट में जर्नल ऑफ या पी एंड एल का बैलेंस पड़ा है 60,000, ये किनका है? ए बी सी की बैलेंस शीट है, बी वॉन्ट्स टू गेट रिटायर्ड, तो बी भी तो इसमें से जो है जो उसका शेयर है वो ड्रॉ करेगा, बिल्कुल ये उसका शेयर बी को ट्रांसफर किया जाएगा। तो अपने को वो भी सोचना है कि एडमिशन के वक्त भी करते थे, वो पुराने पार्टनर का था, वो कहते बांट लो नए के आने से पहले बांट लो एडमिशन में, क्योंकि वो पुराने वालों का था। अब क्योंकि ये तीनों ने मिलके कमाया हुआ है, स्टिल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, तो इसे डिवाइड तीनों पार्टनर इंक्लूडिंग बी करेंगे, जैसे एडमिशन में ओल्ड पार्टनर में जाता था, बिल्कुल उस तरह से। इसकी भी डिस्कशन डिटेल में करेंगे। फिर यहां पे प्रॉब्लम ये आ जाती है, गुडविल हो गया, इसकी पेमेंट कैसे करें? सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, मतलब उसको पैसा देना है। कभी कभी तो इसको कैश पेमेंट दे दी जाती है, कभी कभी क्या है लोन कन्वर्टेड टू लोन अकाउंट, इससे बात कर ली जाती भी इसको अभी देना है, या कई बार इसको इंटरेस्ट के साथ धीरे धीरे पेमेंट कर देंगे, इसको लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर दें, वो प्रॉब्लम आती है। ओके, और लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशो। कई बार जो रिमेनिंग पार्टनर है ना, वो चाहते हैं कि हमारी कैपिटल किस में हो जाए, न्यू रेशो में, तो वो एडजस्टमेंट भी जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी अनाउंसमेंट आती है सीबीएसई की, ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो ये एडजस्टमेंट हटा दी जाती है, बाकी क्वेश्चन सेम रहता है। तो क्या है ये एडजस्टमेंट, डिस्कशन करेंगे। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में जिस तरह की अकाउंटिंग प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती थी, वो सारा ही इसी चैप्टर के स्कोप में करीब करीब कवर है, वही चीजें, बस फर्क यह है वहां एडमिशन होता था, यहाँ क्या हुआ है रिटायरमेंट। तो यहां पे ओल्ड पार्टनर सभी हैं, बल्कि रिमेनिंग पार्टनर ए एंड सी हैं। तो अपने को कैसे बी को रवाना करना है पैसा देके, लोन में कन्वर्ट करके या कैश, वो अरेंजमेंट कैसे होगा, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके ओल्ड रेशियो 3:1 में, गुडविल के एडजस्टमेंट, ये सारी बातें अपने को यहां पे करनी है। इज दैट क्लियर? ये सारा डिस्कशन करना है हमें। ओके, अब इसमें मैं बात करने जा रहा हूं रेशो की। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो रेशो, गेनिंग रेशो और न्यू रेशो कैसे आएगा, पहले मैं इसके फॉर्मूले डिस्कस करूं गेनिंग रेशो और न्यू रेशो, उससे पहले मैं एक कंसेप्ट लेता हूं जिससे आपके माइंड में ये पूरा क्रक्स आ जाएगा, क्या है गेनिंग रेशो और क्या है न्यू रेशो, वो पिक्चर पूरी आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। जैसे सपोज मैं कहता हूं ए बी सी आर पार्टनर, इनका रेशो है 3:1, ओल्ड रेशो बोल सकते हैं, तीनों कंटिन्यूइंग पार्टनर है। ओके, अब बी क्या होना चाहता है, बी वॉन्ट्स टू गेट रिटायर्ड, बी रिटायर होना चाहता है। अब इसका शेयर कौन कैसे गेन करेगा, दैट इज गेनिंग रेशो। एक एग्जांपल से मैं कहता हूं कि सपोज जो प्रॉफिट थे, सपोज प्रॉफिट ऑफ फर्म 60,000 है, सपोज ये किस रेशो में बांटेंगे, ये 3:1 में बांटेंगे, 30,000 इसका, 20 इसका और 10 इसका। अगर आज मैं कहता हूं कि देर आर थ्री पार्टनर एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in 3:1, or suppose there is profit of rupees 60,000 which is to be divided among ABC in 3:1, 30, 20, 10.
अब बी फर्म से रिटायर होगा तो फ्यूचर में भी अगर 60 आया, प्रॉफिट मान लो शॉप वही है, बिजनेस वही, लेकिन शेयर करने वाले लोग कौन होंगे? तीन नहीं, दो लोग, कौन? ए और सी। अब ये इसके 20,000 रुपए को भी कौन लेंगे? टोटल 60 इन फ्यूचर कौन लेंगे? इन फ्यूचर ए एंड सी विल शेयर होल प्रॉफिट ऑफ फर्म। फर्म का पूरा प्रॉफिट कौन लेंगे? ए एंड सी। सपोज मैं कहता हूं कि इसका जो 20,000 रुपए है इन दोनों में जाएगा, इसका तो 20,000 रुपए खत्म, इन दोनों में जाएगा कितना कितना? अगर तो मैं कहता हूं कि ये जाएगा 3-1, मतलब ये बी गया, इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया, 3-1 में ही इन 3-1, ये गेनिंग रेशियो, एसी लेंगे तो ये 15 लेगा और ये कितना ले लेगा? 5। यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है? ये 30 और 15 कितना? 45। ये चलाई गया, इसका कितना हो गया? 10 और 5 15। तो फ्यूचर में ये किस रेशो में बांटेंगे प्रॉफिट? ये ध्यान से देखो, 45:15 यानी कि 3:1, ये इनका न्यू रेशो है। न्यू रेशो का मीनिंग समझो, अक्सर फॉर्मूले पे फॉर्मूले स्टूडेंट लगाए जा रहा है बार 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 बार, लेकिन क्या है वो ये नहीं समझ पाता फॉर्मूला लगाते हुए कि ये क्रक्स क्या है, क्या है गेनिंग रेशो का मीनिंग, क्या है न्यू रेशो। तो थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर आप इसे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या। सपोज एबीसी आर पार्टनर, 3:1 रेशो, प्रॉफिट फर्म का 60, तो 30, 20, 10 इनका शेयर हो जाता। लेकिन बी गॉट रिटायर्ड, बी चला गया, उसके 20 भी कलेक्टिवली तो एबीसी का ही रहेगा 60, दुकान वही है, बिजनेस वही है, सपोज वही प्रॉफिट रहा, तो वो एबीसी का ना हो के एसी का होगा। ये 20,000 रुपए कम होंगे, लेकिन इन दोनों में वो ऐड कैसे हो? सपोज मैं कहता हूं जो चला गया उसे स्ट्राइक ऑफ कर दें, इनका रेशियो 3:1 ही है फ्यूचर में, तो इस ये 3:1 में ही गेन करेंगे, तो 3:1 में गेन करेंगे, 3:1 में तो 15 और 5, इसे नाम दे दिया गया गेनिंग, कि इसके प्रॉफिट को ये दोनों कितना कितना बांटे, तो ये 15 5, तो इसका मतलब इसका हो गया 45, इसका 15, तो न्यू रेशियो देखो तो क्या बना? 3:1। थोड़ी सिचुएशन चेंज करता हूं, देखना, मैं कह रहा हूं ए बी सी आर पार्टनर, टोटल प्रॉफिट फर्म के जो हैं 60,000, इनमें डिवाइड करते हैं हम 3:1 में, तो ये 30, ये 20 और ये 10, ये तो फर्म से रिटायर हो रहा है, इसका 20 खत्म हुआ, ये दोनों बांटेंगे सपोज बराबर, इन्होंने फैसला किया कि हम दोनों क्या करेंगे, अपना ये 20 जो है बी वाला हमें बचा, हम बराबर बराबर मान लेंगे, इक्वल 10-10 बांट लेंगे, इक्वल बांटेंगे, तो गेनिंग रेशो क्या मतलब, इसका शेयर गेन करेंगे इक्वल, तो इसका शेयर इन फ्यूचर क्या दिखेगा हमें? इसका दिखेगा 40 और इसका दिखेगा फ्यूचर में कितना? 20। तो ये देखो ध्यान से, 40-20 का मतलब 2:1, ये क्या होने वाला इन फ्यूचर इनका? यही तो न्यू रेशो होता है, 2:1। यानी कहने का मतलब गेनिंग रेशो का मीनिंग यही है कि जो जा रहा है अपना सैक्रिफाइस करके शेयर, उसे कौन गेन करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर। कितना कितना गेन करेंगे उसे ही तो गेनिंग रेशो बोलेंगे। अगर मैं कहूं 3:1 में, तो ठीक है 15-5 जोड़ा तो ये फ्यूचर में 15 और ये 45 यानी 60,000 को ऐसे बांटेंगे, तो ये रेशो क्या बना? 3:1। लेकिन अगर मैं कहूं इसका 20 इक्वल शेयर करेंगे, इसका 20 इक्वली शेयर करेंगे, तो ये 10-10, तो ये 20 और ये क्या हुआ? 40। तो रेशो क्या बना? 2:1। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कैसे गेन करेंगे, इसका शेयर कौन लेगा, तो इसे सोल्व करके ये रेशो न्यू रेशो बना 2:1। तो चलो, ये तो मैंने माइंड में थोड़ी पिक्चर क्लियर करने के लिए कि न्यू रेशो का मीनिंग क्या है, किस तरह से बनता है, वो बात की गेनिंग रेशो। बाकी मैं इस कंसेप्ट को कुछ और क्वेश्चंस में फिट करके आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। हर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आप कोई भी बुक उठा लेना, रेशो में कोई डाउट नहीं रहेगा, रिटायरमेंट पे उसकी कंप्यूटेशन आप बड़ी इजीली कर लेंगे। देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड
नोट्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन टू ज्वाइन आवर क्लास, क्योंकि नोट्स के बिना फिर वो जो स्टेटमेंट है वो माइंड में क्लियर नहीं होगी। काफी अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे इसमें। तो चलो पेज वन ऑफ द नोट्स, इसमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो की बात करते हैं। न्यू रेशो की कैलकुलेशन कैसे होगी, इसमें दो बातें हैं न्यू रेशो की कैलकुलेशन करते वक्त। इफ देयर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर टू शेयर रिटायरिंग पार्टनर्स अमाउंट, कोई नहीं, देन इट इज एज्यूम्ड दैट रिटायरिंग पार्टनर्स रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशो विल बी द न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। देखना, मैं ये बात का मीनिंग क्लियर करने की कोशिश करता हूं। क्या कह रहा है कि कहने का मतलब सिंपल वर्ड में, इफ नो गेनिंग रेशो इज गिवन, कोई गेनिंग रेशो नहीं दे रखा, मीन्स पार्टनर में ऐसा कोई बैठ के अग्रीमेंट हुआ ही नहीं कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कौन कितना लेगा, ऐसा कोई बात ही नहीं, कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ, तो मींस कोई गेन करने के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप एज्यूम कर लो कि उनका रिस्पेक्टिव म्यूचुअल ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होगा और वही गेनिंग रेशियो होगा, यानी जस्ट आपको क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को स्ट्राइक ऑफ करना है बस। सपोज ए बी सी आर पार्टनर, इनका रेशियो है 3:1, बी गॉट रिटायर्ड, बी चला गया, पर क्वेश्चन साइलेंट के इनके बीच में कोई अग्रीमेंट है ए सी कौन कितना गेन करेगा, नो इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन, तो देन इट इज टू बी अज्यूम दैट ए एंड सी इज न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो विल बी 3:1। बस आपको क्या करना है, बी का रेशियो स्ट्राइक ऑफ कर दो, इनका जो म्यूचुअल रेशियो 3:1 दिख रहा है वही न्यू रेशियो है और वही क्या है, वही गेनिंग रेशियो है 3:1, यही बस। बी का बीच में शेयर जो है स्ट्राइक ऑफ कर देंगे अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो। तो एक क्वेश्चन एग्जांपल से देख सकते हैं इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए। एग्जांपल वन, नोट्स के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन की बात कर रहा है कि सपोज ए बी सी आर पार्टनर, ओल्ड रेशियो 3:1, सिचुएशन वन, ए सपोज सिचुएशन वन, ए रिटायर्ड फॉर्म, ए रिटायर हो गया तो इसका मतलब न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी, बी और सी का न्यू रेशियो क्या होगा, बी और सी का न्यू रेशियो ए चला गया, इसको स्ट्राइक ऑफ कर दो बस, तो बी सी का न्यू रेशियो क्या होगा 2:1, और यही क्या होगा इनका गेनिंग रेशियो। अभी मैं सोल्व कर दूंगा आगे गेनिंग रेशियो कैसे आएगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, उसमें बता दूंगा गेनिंग भी यही आएगा। सिचुएशन टू, इफ बी गेट रिटायर्ड, अगर बी रिटायर हो गया, ए नहीं, कौन रिटायर हुआ, बी, बी रिटायर हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ए एंड सी का न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो 3:1, इसका हटा दो बस, यही गेनिंग रेशियो होगा 3:1। अगर सी रिटायर हो गया, सी रिटायर्ड हो गया, तो उस केस में ए एंड बी का न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होगा, यहां पे बी रिटायर नहीं, सी रिटायर हुआ, तो ए बी का रह गए पार्टनर, इनका रेशियो क्या होगा 3:2, गेनिंग रेशियो भी और न्यू रेशियो भी। यानी कि ये बहुत इजी है, इफ देयर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ रेशियो ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, तो इन दैट केस ओल्ड रेशियो, रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर विल बी कंसीडर एज द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, तो वो ही मान लेंगे, यानी इसमें स्ट्राइक ऑफ कर दो बस, बाकियों का सॉल्व हो जाएगा। चलो इसकी मैं डिस्कशन कर चुका हूं। फर्स्ट सिचुएशन यही है कि क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो स्पेसिफाई नहीं है,
कौन कितना गेन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल टू है, एग्जाम्पल टू देख लो इसी से रिलेटेड, देखना मैं यहां कोट कर देता हूं, के पी एल आर पार्टनर, इनका रेशियो क्या है 1/2, 2/5 और 1/10। कुछ भी पढ़ने से पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसे क्या है एलसीएम लेके सेम कर लो डिनोमिनेटर, उसका डिनोमिनेटर सेम कर लो एलसीएम लेके और डिनोमिनेटर आ जाएगा, रेशियो बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम 10 रहेगा, तो ये बन जाएगा 5, ये रहेगा हमारा 4 और ये रहेगा 1। तो यही समझो कि हमारा ओल्ड रेशियो मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूं, इस 1/2, 2/5, 1/10 को मैं 5/4/1 भी तो लिख सकता हूं। पहले आप इसको डिनोमिनेटर एलसीएम यानी डिनोमिनेटर सेम कर लो, फिर आप इसे कोट कर लो, तो वो रेशियो इस तरह से भी इट कैन बी रिटन एज 5/4/1। फिर आपको समझना आसान होगा केपीएल का। सपोज के यहां पे ये कह रहा है कि पार्टनर के गट रिटायर्ड, के चला गया, के चला गया तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो पी और एल का क्या रहेगा 4:1। सेम क्वेश्चन वही बन जाएगा, जो चला गया कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो, तो अज्यूम कर लो रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर विल बी कंसिडर एज न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कौन चला गया था, के। अगर पी चला गया होता, सपोज के पी रिटायर्ड, अगर पी रिटायर हो जाएगा तो ठीक है, पी को छोड़ दो, फिर अपना के और एल का रेशियो आ जाएगा 5:1। उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो वही बन गया जो चला गया, स्ट्राइक ऑफ कर दो, वही रिमेनिंग रेशियो जो है वो रिमेनिंग पार्टनर का न्यू और गेनिंग होगा। लेकिन पहले एलसीएम ले लो। कभी कभी ऐसे भी करते हैं, ऐसा है कि जरूरी नहीं आप एलसीएम लो, इस तरह कर लो कि ये सब जो है इसमें जो बड़ा फिगर है वो 10 है, देखो 10 हाईएस्ट फिगर, और ये सब 10 में डिविजिबल भी है, तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम कर लेना, 10 ही बना लेना, ये सब डिविजिबल है, डिविजिबल 2 10 से 5 10 से होता है, तो आप इसे क्या करो, आप इसको डिनोमिनेटर में 10 बनाना है तो आप इसको इस तरह से लिख लो, इसको 2/5 को भी डिनोमिनेटर 10 होना चाहिए, ये तो 1/10 है ही है, तो मैं इसको इस तरह लिख लूं 5/10, ये 2/10, ये 1/10, तो हमारा ये रेशियो कैन बी रिटन एज, देखना 1/2 है, 1/2, 2/5, अच्छा ठीक है, तो ये अपने ये कर दिया ना गलती। चलो देखो, आप एलसीएम लेके कर लो या फिर डिनोमिनेटर में 10 बनाना है, तो यहां पे 2 है तो 5 से करेंगे, तो न्योमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 5 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये 5/10, यहां पे 2/5, यहां डिनोमिनेटर 10 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करो, न्योमिनेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4/10, ये 10 डिनोमिनेटर है ही है, तो रेशियो बना 5/4/1। यानी या तो इस तरह या एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई कर लो, इस टर्म में लिखेंगे तो मिनट में समझ आ जाएगा कि कैसे कंप्यूट करना है गेनिंग रेशियो या न्यू रेशियो। एनी डाउट? ओके, तो आप इस तरह से इस रेशियो को क्या है सोल्व कर सकते हैं, फर्स्ट सिचुएशन जब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ओके, सेकंड सिचुएशन, ये सिचुएशन ए, सेकंड सिचुएशन स्पोस देयर इज अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स अबाउट शेयरिंग ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स अमाउंट, यानी इन अदर मीन अदर वर्ड्स गेनिंग रेशियो इज गिवन। भाई आपको बता रखा है कौन कैसे गेन करेगा, ऐसा है तो अपने को गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने को सोल्व करना होगा न्यू रेशियो। जो ओल्ड रेशियो है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, पहले 3 लोग मानते थे, अब 2 लोग मानतेंगे, तो पुराने वालों का जनरली इसलिए कह रहा हूं, बड़ी पार्टनरशिप में कभी कभी ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस ही कर रहा होता है रिमेनिंग पार्टनर, वो सिचुएशन मैं पढ़ लूंगा, लेकिन फिलहाल न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो होगा,
पहले तीन लोग बांटते थे, अब दो लोग बांटेंगे, कैसे बांटेंगे वो इंफॉर्मेशन देगा हमें। तो हम क्या है, ओल्ड पार्टनर के जो रेशियो, रिस्पेक्टिव रेशियो है, उसमें जो गेन्ड अमाउंट है वो गेन्ड शेयर, ये गेन्ड शेयर कह दो, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है गेन्ड अमाउंट, वो ऐड कर दूंगा तो इनका बढ़ा हुआ रेशियो आ जाएगा। अब पहले तीन लोग बांटते थे, अब दो लोग बांटेंगे तो रेशियो बढ़ेगा। ओके, तो चलो सिचुएशन देखते हैं, इसका शेयर कैसे वो लेंगे। सपोज मैं कह रहा हूं ए बी सी पार्टनर है, इनका रेशियो 3:1 है, ओल्ड रेशियो। यहां पे एक सिचुएशन में कह रहा था कि बी रिटायर हो गया, साइलेंट है कि बी का शेयर वो कैसे लेंगे, तो हम अज्यूम कर लेते हैं 3:1 में ही लेंगे। सपोज मैं कह देता हूं कि उसने यही दे दिया गेनिंग रेशियो 3:1, ठीक है, जो साइलेंट होता है तो अपन 3:1 ही मान लेते सिचुएशन ए में। चलो सिचुएशन बी में मैं कहता हूं उसने 3:1 गेनिंग रेशियो दे दिया कि इसका शेयर बी का जो अमाउंट है विल बी शेयर्ड बाय ए एंड सी इन देयर रिस्पेक्टिव रेशियो 3:1। तो आप देखो ए विल गेन फ्रॉम बी, ए कितना गेन, बी का शेयर कितना है, बी का शेयर जो है 2/6 है ना, देखो बी शेयर कितना है 2/6, कौन कौन लेगा, गेन्ड बाय ए और गेन्ड बाय सी, दोनों गेन करेंगे, तो 2/6 जो रेशियो है दोनों गेन करेंगे ए एंड सी। तो 2/6 को कैसे गेन करेंगे, साइलेंट हो तो रिस्पेक्टिव 3:1 मैंने बताया, पर मैं कहता हूं सपोज क्वेश्चन में बता ही दिया 3:1 में गेन करेंगे, तो वो देखो ए कितना गेन करेगा, 3 ये बोला हुआ है हमें, 3/4 कर लो 6/24, और सी विल गेन फ्रॉम बी 2/6 का वो कितना गेन कर लेगा, 1/4 यानी 2/24, तो 6/24 ये गेन कर रहा है और 2/24 ये गेन कर रहा है, दोनों 8/24 गेन कर रहे हैं, दोनों का टोटल देखो तो 8/24 जो सी का बी का रेशियो है वो यही तो है, बी का जो रेशियो है वो 8/24 ही तो है, 8/24 कह दो या 4 से कैंसिल करके इसे 2/6 कह दो, एक ही तो बात है, तो दोनों ने गेन कर लिया किस रेशियो में, 3:1 देख लो, 6/24 और 2/24, तो किस रेशियो में गेन कर दिया इन दोनों ने, 3:1 में। तो नेचुरल सी बात है जब ये दोनों गेन करेंगे तो ए का रेशियो बढ़ेगा, उसकी कंप्यूटेशन कैसे होनी है। अब देखो जब गेन करेगा तो रेशियो बढ़ेगा कैसे, ओल्ड रेशियो जो इनका है 3/6 और उसका 1/6, उसमें ये दोनों इतना इतना और गेन कर लेंगे तो इनका रेशियो बढ़ेगा, पहले से ज्यादा होगा, ओल्ड रेशियो जो है और गेन करने से ये म्यूचुअल इन दोनों का ही हो जाएगा। तो आप बताओ मुझे ए का न्यू रेशियो कितना आएगा, ओल्ड रेशियो कितना था इसका, ओल्ड रेशियो 3/6, 3/6 ओके, और ये गेन कर रहा है वो शेयर कितना है, गेन कर रहा है 6/24, और बी का न्यू रेशियो, सॉरी सी का, बी तो चला ही गया, सी का न्यू रेशियो देखें तो जो सी का न्यू रेशियो है वो कैसे कंप्यूट होगा, सी का 1/6 था और गेन कर लिया 2/24, तो आप इसे या तो एलसीएम लेके कर लो, डिनोमिनेटर सेम कर लो 24, एलसीएम लोगे 24 आएगा, तो ये 4 × 3 = 12 + 6 = 18/24 हो गया, इसमें भी एलसीएम 24 लेंगे आप, 4 + 2 = 6/24, यानी ए और सी का जो न्यू रेशियो है वो 18/24 या 6/24, तो 18:6 कह सकते हो, यानी मैं इसे 3:1 भी कह सकता हूं, 3:1 कह लो या 18:6 कह लो, एक ही बात है, तो न्यू रेशियो 3:1, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि ए सी का रेशियो 3:1 ही आएगा जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन साइलेंट हो कि हु विल गेन
विच अमाउंट फ्रॉम बी, तो ये स्पेसिफाई नहीं, तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो होता है, इन दोनों का म्यूचुअल वाला 3:1 वाला। तो 3:1 में बांट लिया टोटल शेयर को, तो 6/24 और 2/24 इनमें ऐड हो गया, 18/24 और 6/24, तो इस तरह से ये रेशियो क्या बन गया, 3:1। कुछ लोग इस तरह भी करते हैं, इसे देखो, ये मैंने एलसीएम लेके किया, कुछ लोग इसको इस तरह से भी कर लेते हैं, देखना, देखो आप देखो दोनों डिनोमिनेटर में एक फिगर है बड़ी 24 और ये 6 से डिविजिबल भी है, तो आप इसे 24 बना लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करके, 3/6 है, 6 को 24 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 3/6 को इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है 24 बनाने, इसको भी तो 4 से करना पड़ेगा, तो 12/24 कह दूं या 3/6 कह दूं तो कोई अलग बात थोड़ी है, 3/6 कह दूं या 12/24 एक ही बात है, तो इस तरह भी कर लो, एलसीएम नहीं लेना, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करो, तो 24 बनाना है तो डिनोमिनेटर को 4 से करना है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 12/24 ये 6/24 है ही है, ये देखो इसको 24 बनाना है तो 4 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को करोगे तो 4/24, ये 2/24 है ही है, तो आप देखो 18/24 और ये 6/24, तो न्यू रेशियो ए और सी का क्या रहा, 18/24 और 6/24, यानी कि इनका न्यू रेशियो 18:6 कह लो या 3:1 कह लो, ये न्यू रेशियो है। तो आप एलसीएम लेके कर लो 24, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करो, बेस में सेम आना चाहिए 24, तो इसलिए इसको 4 से करना है तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12/24 लिख लिया मैंने, इट कैन बी रिटन एज 12/24 इंस्टेड ऑफ 3/6, इसको इजी हो जाता है, तो या एलसीएम लेके कर लो, तो न्यू रेशियो 3:1 आ गया। तो सिंपल सी बात है, अगर पेपर में उसने रेशियो स्पेसिफाई कर रखा है कि सी जो रिटायरिंग पार्टनर शेयर विल बी गेन्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर इन रेशियो 3:1, जैसे ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई था, तो वी मस्ट यूज दैट इंफॉर्मेशन टू कंप्यूट न्यू रेशियो। तो इसमें बोला है 3:1, तो क्या इसका शेयर कितना है बी का, 2/6, ये सेक्रीफाइस करके जा रहा है, हु विल गेन, ए एंड सी विल गेन द अमाउंट ऑफ बी, तो कैसे गेन करेंगे 2/6 को, बोला हुआ है 3:1 में, तो 2/6 रेशियो है बी का, 2/6 को ये शेयर करेगा 3:1 में, तो 3/4 और 1/4, तो 3:1 में इन्होंने शेयर किया तो 6/24 और 2/24, तो इसका 2/6 जो शेयर था उसे दो लोगों ने शेयर किया, ए और सी ने, 6/24 और 2/24, तो आप इसे टोटल करो तो 8/24 कहो या 2/6 कहो, एक ही बात है, 4 से कैंसिल करके देख लो। अब आप देखो कि इन्होंने कितना गेन किया, गेनिंग अमाउंट या गेनिंग शेयर पता लग गया, गेन्ड प्रॉफिट। अब ओल्ड रेशियो जो था एसी का, उससे तो नेचुरल है अब दो लोग बांटेंगे, पहले 3 लोग बांटते थे, तो वो शेयर मैंने ऐड कर देना है, वो ऐड किया तो क्या गया, न्यू रेशियो 3:1, क्लियर, कोई डाउट। अब ये सिचुएशन बदल सकता है, मान लो मैं कह दूं कि इन्होंने डिसाइड किया कि हम इसका शेयर कैसे गेन करेंगे, इक्वली गेनिंग रेशियो गिवन है पेपर में, ये मैंने अभी एक एग्जांपल लेके भी दिखाया था कि वो डिसाइड करते हैं कि सीज शेयर विल बी डिवाइडेड अमंग रिमेनिंग पार्टनर इक्वली, तो उसमें क्या होगा, तो इसका 2/6 ये दोनों कैसे शेयर करेंगे, ये क्वेश्चन में कह रहा है, कैसे कह रहा है, इक्वली कह रहा है, तो ये हाफ और ये हाफ, दोनों हाफ हाफ ले लेंगे, 2/12 कह लो या 1/6 कह लो, लो इसको जो भी कहो आपकी मर्जी, इसको कैंसिल कर दो तो 1/6, कैंसिल कर दो तो 1/6, तो इसका 2/6 कौन कौन गेन कर रहा है, इसका 2/6 गेन कर रहे हैं 1/6 यानी कि 2/6, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, इक्वली शेयर करेंगे, इक्वली करेंगे तो ठीक है, मैंने इक्वली मार दिया दोनों में 1/6 1/6, ये दोनों का 2/6 दोनों ने गेन कर लिया, इसका न्यू रेशियो क्या होगा, देख लो अब न्यू रेशियो क्या बनने वाला है, देखो आप 3/6 और 1/6 था, उन दोनों का रेशियो 3/6 और ये 1/6,
अब इसमें इन्होंने 1/6 और गेन कर लिया, तो ये 4/6 और ये 2/6। अब आप न्यू रेशियो सोल्व करेंगे ए और सी का, तो 4/6 और 2/6, तो रेशियो क्या बना ये इनका, न्यू रेशियो की अगर बात करें हम, तो ये रेशियो ए और सी का बना 4:2 कह दो या 2:1 कह दो। तो इस तरह से इनका न्यू रेशियो जो है सोल्व हो गया। एनी डाउट? 2:1। तो मैं ये आपको पहले जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था क्या मीनिंग है गेनिंग का न्यू का, वो मैंने एग्जांपल में यही लिया था कि पहले तो मैंने इनके 3:1 में ओल्ड में ही डिवाइड किया, दूसरी बार अपा ने फिर उसे इक्वल करके करके दिखाया था, तो रेशियो न्यू रेशियो 2:1 बना था। आप प्लेबैक देख सकते हो इसका, तो वो इस तरह से कंप्यूट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो किस तरह की है। गेनिंग रेशियो नहीं दे रखा तो बहुत इजी है, ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो म्यूचुअली, और अगर दे रखा है तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम और एग्जांपल लेते हैं इन सिचुएशन से रिलेटेड। कौन सी? कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो ओल्ड म्यूचुअल रेशियो ही क्या होगा, गेनिंग, और न्यू इंफॉर्मेशन है तो वी मस्ट यूज इट। तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ एग्जांपल मैं ऐड करता हूं ये सिचुएशन टू से रिलेटेड, थोड़ा ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। ये एग्जांपल करेंगे तो बहुत अच्छे से सारी स्टोरी आपके माइंड में क्लियर होगी। किसी भी बुक में से करेंगे आप, प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। देखते क्या इंफॉर्मेशन दे रहा। एग्जांपल 3 नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसे नोट्स को, नोट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, देन आफ्टर इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड होल द कंसेप्ट। तो एग्जांपल 3 की मैं बात करता हूं, एग्जांपल 3 पेज नंबर 2 ऑफ द नोट्स। ओके, क्या कह रहा है इसमें, तो 5:3:2 रेशो गिवन है, ठीक है, एब्सेंस में क्या होगा वो बात होगी, ये तो आप कर लेंगे। 3 में तो सिंपल यही दिया है, पी क्यू आर पार्टनर, इनका ओल्ड रेशियो क्या है 5:3:2, ठीक। और यहां क्या कह रहा है, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है क्यू क्विट कर रहा है, ये रिटायर हो रहा है, रिटायर, अदरवाइज एनीथिंग एल्स हैज नॉट बीन गिवन। तो कुछ नहीं बताया कि हु विल शेयर क्यूज अमाउंट, कैसे, कितना नहीं बताया। तो इसका मतलब मैंने अभी बताया था, जो चला गया उसे स्ट्राइक ऑफ कर दो। न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो पी और आर का क्या रहने वाला है, 5:2 रहने वाला है बस। इसे तो ये तो फर्स्ट सिचुएशन है कि कोई अग्रीमेंट नहीं है गेनिंग रेशियो के रिगार्डिंग, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये तो अपन ने अभी करके भी देखा, अगर आप इसको इस तरह करेंगे भी ना कि इसका शेयर गेनिंग रेशियो ओल्ड में ही करें तो सेम आंसर रहेगा, इसलिए क्या है कोई बेनिफिट नहीं है। मैं एग्जांपल 4 देखता हूं, क्या कहता है, पी क्यू आर पार्टनर, पी क्यू आर पार्टनर है, इनका रेशियो क्या है पी क्यू आर का 5:3:2, क्यू क्विट कर रहा है, फर्म से जा रहा है, और ई ओल्ड रेशियो, और हमें कह रहा है पी और आर अग्री करें क्यू का शेयर इक्वली लेंगे, तो पी एंड आर डिसाइड टू शेयर क्यूज अमाउंट इक्वली, यानी उन्होंने डिसाइड किया पी आर ने कि हम इसका शेयर कैसे गेन करेंगे इक्वली पी और आर। तो यानी कि यहां गेनिंग रेशियो पी और आर ने क्या डिसाइड किया इक्वल, ये पेपर में बोला हुआ है कि इसका अमाउंट गेन बाय पी एंड आर इक्वली, यानी पी विल गेन पी फ्रॉम क्यू, पी कितना गेन करेगा, इसका शेयर जो है क्यू का 3/10 है, 3/10 इसको वो गेन करेगा किसमें इक्वली, तो 1/2, तो यानी कि 3/20, और आर विल गेन, आर कितना गेन करेगा क्यू से, फ्रॉम क्यू आर गेन करेगा 3/10 का इक्वल, यानी ये भी 3/20, क्यू का जो शेयर था वो 3/10 था, तो गेन्ड बाय पी और गेन्ड बाय आर कितना कितना 3/20, 3/20, तो ये क्यू का जो शेयर है वो दोनों ने 6/20 कह लो या 3/10 कह लो, एक ही बात है, दोनों ने गेन कर लिया पी और आर ने।
तो इनका न्यू रेशियो आप जानते हो कैसे आता है, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, जो गेन्ड अमाउंट है, गेन्ड शेयर है, वो ऐड कर दूंगा ओल्ड रेशियो में, तो इनका क्या है, न्यू रेशियो आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ पी का न्यू रेशियो क्या है, पी का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 5/10। आप देखो ना ओल्ड रेशियो को 5/10, 3/10, 2/10 लिख सकता ना, इट कैन बी रिटन एज 5/10, 3/10, 2/10। ये चला गया, इसका 3/10 कौन गेन कर रहे हैं, पी एंड आर इक्वली, 3/20, 3/20। तो इसका 5/10 था, 3/20 और ऐड कर दो। आर का जो न्यू रेशियो है, आर का वो कितना था, आर का 2/10, 3/20 उसमें ऐड कर दो। तो आप देखो या तो एलसीएम लेके कर लो 20, तो ये आएगा 10 + 3 = 13/20। यहां भी एलसीएम 20 लेंगे आप, 2 × 2 = 4 + 3 = 7/20। तो आप देखेंगे कि पी और आर का रेशियो क्या बन गया, न्यू रेशियो 13/20 और 7/20। तो आप समझ गए इनका जो न्यू रेशियो है वो क्या रहेगा, न्यू रेशियो पी और आर का 13:7। एनी डाउट, 13:7 में वो बांट लेंगे। यानी यहां क्लियर है सिचुएशन कि क्यूज शेयर 3/10 डिवाइडेड बिटवीन पी एंड आर इन इक्वल प्रपोर्शन, तो इक्वल प्रपोर्शन में बांट दिया है, 3/10 को इक्वली बांट लिया है, हाफ इसमें और हाफ इसमें, आधा आधा गया 3/20, 3/20 दोनों में। तो ओल्ड रेशियो 5/10 में 3/20 ऐड किया, 2/20 में 3/20 ऐड किया, तो इस तरह न्यू रेशियो आ गया 13:7, इनका ये प्रपोर्शन न्यू रेशियो बन गया। बोलो कोई डाउट इसमें, बोला हुआ है वैसे वैसे गेन कर लेंगे, कोई डाउट इसमें, ओके। और देखते हैं आप इसी में एग्जांपल, थोड़ा ये पिक्चर और क्लियर होती चली जाएगी एग्जांपल्स के साथ, देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 देखना नोट्स के अकॉर्डिंग, एक्स वाई जेड आर पार्टनर, एक्स वाई जेड आर पार्टनर, रेशियो 1/2, 1/3 और 1/6, ये इनका ओल्ड रेशियो है, ओके। कह रहा है एक्स वांट्स टू गेट रिटायर्ड, एक्स जाना चाहता है फर्म से, रिटायर हो रहा है, और हिज शेयर इज परचेज बाय वाई ओनली, इसका शेयर कौन ले रहा है, वाई। चलो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आप इसको ना सेम एलसीएम लेके 6 या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैसे, मतलब एक सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करो, या तो एलसीएम ले लो 6, ये क्या बन जाएगा 3, ये 2 और ये 1, ऐसे कर लो, या फिर इसको इस तरह कर सकते हो कि आप ओल्ड रेशियो बनाना है 1/2 है, इसको 6 बनाना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, उस सिचुएशन में इसको 3/3 से कर दूं, ये 1/3 है, इसको 6 बनाना है तो 2/2 से कर दूं, वो 1/6 है ये, इट मींस ये क्या बन गया ओल्ड रेशियो, ये 3/6, ये 2/6, ये 1/6, तो इसको आप 3/1 कह लो, या 3/6, 2/6 या 1/6 कह लो, जैसे मर्जी कह लो, इससे कर लो आप, या एलसीएम लेके इससे कर लो, रिजल्ट सेम है, 6 एलसीएम लेके आप सोच सकते हो रेशियो 3/1 है, या आप इस तरह से कर लो कि भाई इनका रेशियो इट कैन बी रिटन एज 3/6, 2/6, 1/6, ओके। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो एक्स रिटायर हो रहा है, यहां पे एक्स जा रहा है फर्म से, कि एक्स का शेयर विल बी गेन्ड बाय वाई ओनली, इसका शेयर कौन लेगा, एक्स का शेयर विल बी गेन्ड बाय वाई ओनली, तो गेनिंग रेशियो क्या है, गेन्ड बाय वाई ओनली, तो गेनिंग रेशियो नहीं है, अकेला वाई गेन कर रहा है, इसका सारा शेयर एक्स का कौन गेन कर रहा है, वाई। तो आप देख लो न्यू रेशियो का मीनिंग क्या होता है, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, यानी गेन्ड शेयर, गेन्ड शेयर किसने किया है, वाई ने, तो एक्स का न्यू रेशियो तो क्या रहेगा, सेम उसका रेशियो तो वही रहेगा 3/6, नो इफेक्ट, उसके रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ना है, उसका तो वही रहेगा 3, किसका, जेड का, जेड का कह रहा हूं,
z का शेयर कितना 1/6, उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. x wants to get retired but excess share will be gained by y only. तो z को कोई फर्क पड़ा? z का रेशियो तो वही रहेगा ना, 1/6 कह लो, ये रहा 1/6, उसको नहीं फर्क पड़ने वाला. नो इफेक्ट ऑन रिटायरमेंट ऑफ x ऑन z शेयर. लेकिन y का जो रेशियो है, y का न्यू रेशियो चेंज होने वाला है. कैसे? ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग. इसका ओल्ड रेशियो क्या है? 2/6 प्लस गेनिंग, गेन्ड अमाउंट सारा कितना है? 3/6. तो आप इसका शेयर देखो तो क्या हो गया है, 2/6 में 3/6 एक्स वाला एड होके 5/6 हो गया है. तो न्यू रेशियो में देखूं तो y और z का, z को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यहां शेयर x का बढ़ गया, तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 5:1. कभी कभी किसी स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ऐसे कैसे, z ऐसे चुपचाप बैठा रहेगा, सारा शेयर कौन करेगा गेन? y. ऐसा नहीं है. अगर y गेन कर रहा है तो y उसके रिजल्ट में पेमेंट भी देगा. जैसे गुडविल का जो शेयर है एडजस्टमेंट करनी है, वो कहां से होगी? y के अकाउंट से. वो y बेयर करेगा जो पैसा x को देना है, क्योंकि गेन भी तू ही कर रहा है. तो ये आगे स्टेप करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसका शेयर गेन करने का मतलब है उसके गुडविल का पैसा भी अकेले x को, x का जो देना है y को बेयर करना है. z उसके लिए लायबल नहीं होगा, उसकी कैपिटल डेबिट z की नहीं होगी. तो ये दो लोग बांटते थे, अब तीन लोग बांटने की जगह दो लोग फ्यूचर में बांटेंगे. तो इस तरह से ये 5:1 ये रेशो आ जाएगा. यानी गेन सिर्फ किसने किया? गेन सिर्फ y ने किया, x का शेयर. z का शेयर अनअफेक्टेड है ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ x, क्योंकि उसे कुछ मिल ही नहीं रहा, ना वो सैक्रिफाइस कर रहा ना वो गेन कर रहा. चलो, तो इस तरह से मैंने x का सारा शेयर 1/2 कह लो या 3/6 कह लो, किसमें जा जोड़ा? y में. ये 1/2 प्लस 1/6 करोगे तो 5/6 ही आएगा, तो वो 5/6, z का 1/6. इस तरह से. एनी डाउट? ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं. इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओगे आप और पूरा कंसेप्ट रेशो का माइंड में क्लियर हो जाएगा. देखते हैं. पेज नंबर 2 और 3 पे हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं. क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है उसमें, क्या डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स लिंक अटैच है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो. एक्स वाई जेड आर पार्टनर, रेशियो क्या है? 1/5, 1/3 और 7/15. एक्स वाई जेड आर पार्टनर, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 1/5, 1/3 और 7/15. ये इनका ओल्ड रेशियो है. Z wants to get retired और उसका शेयर गेन करेंगे X और Y 3:2 में. कौन रिटायर होगा? ये रिटायर होने जा रहा है Z. यहां से Z रिटायर होगा. चलो Z रिटायर होगा, पर फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो क्या है म्यूचुअली, आप इस तरह से 15 बेस में बना सकते हो तो ज्यादा बेटर है. या तो LCM ले लो, या इसे भी डिनोमिनेटर को भी 15 बना लो. जैसे ये 1/5 है, 15 बनाना है तो मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंगल डिजिट 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. ये 1/3 है, 15 बनाना है तो मुझे सिंगल डिजिट 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक, ये 7/15 है ये, तो इनका ओल्ड रेशियो कैन बी रिटन एज 3/15, 5/15 और 7/15. आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 3, 5, 7 एक ही बात है, 3, 5, 7. कौन रिटायर हो रहा है? Z wants to get retired. और हमें पेपर में गेनिंग रेशियो X और Y का कितना गिवन है पेपर में? X और Y गेन इसका शेयर करेंगे 3:2 में. ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है. X एंड Y इसका शेयर परचेज करेंगे या गेन करेंगे 3:2 में. तो कंप्यूट करना है अपने को यहां पे न्यू रेशियो. ओके, तो आप यहां पे देखो कि ये कैसे गेन करेंगे, ये पेपर में गिवन है, बी सिचुएशन है. तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक्स विल गेन फ्रॉम जेड. जेड का शेयर कितना है? 7/15. कितना गेन करेगा ये? 3:5 यानी 3/5.
और x गेन करेगा, y विल गेन फ्रॉम z 7/15 कैसे 2:5 3:2 में। तो आप देखो ये कितना हो गया 21/75, ये 14/75। तो आप देखो ना इन दोनों ने कैसे गेन किया, इसने गेन किया क्या 7/15 को 20/75, इसने गेन किया 14/75। ध्यान से देखो तो 21 और 14 का मीनिंग 3:2 ही बनता है, और इसका टोटल देखेंगे जो z का शेयर है, देखो ध्यान से जो z का शेयर है कितना है, z का शेयर 7/15 ओके गेन्ड बाय x गेन्ड बाय y। कैसे गेन किया इन्होंने 21/75 और 14/75। तो आप देखेंगे तो ये 35/75 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये शेयर z का ये हो गया, या इसे आप 5 से कैंसिल कर दें तो ये 7/15 ही बनेगा ओके। इसको किस तरह गेन किया, अब मुझे बताओ जो न्यू रेशो होता है वो क्या होता है, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। ये गेन्ड अमाउंट अपन ने बार बार पढ़ा है गेन्ड शेयर। तो आप देखो कि एक्स का न्यू रेशो क्या हो जाएगा, उसका जो ओल्ड रेशो है वो कितना है, आप इसे 3/15 पढ़ सकते हैं, ये रहा 3/15, और इसने गेन किया 21/75। वाई का न्यू रेशो देखो तो वाई का जो ओल्ड रेशो है वो क्या है 5/15, और गेन कर रहा है ये 14/75। एलसीएम 75 लेके चले या फिर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से डिजिट से मल्टीप्लाई करके 75 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। तो ये 5 × 3 = 15 और ये देखेंगे तो 21 36/75। यहाँ भी एलसीएम 75 5 25 + 14 कितना हो गया 39/75। तो इनका जो न्यू रेशो है किसका, x और y का जो न्यू रेशो है वो कितना रहा 36/75 और 39/75, यानी 36 39 ये न्यू रेशो है, या इसे आप 3 से कैंसिल करें 12 और 13 आ जाएगा 12 और 13। तो ये इनका न्यू रेशो है। तो हमें यहाँ पे गेनिंग रेशो गिवन था, गेनिंग रेशो x जा रहा है, हमें पता था उसका शेयर 3:2 में वो दोनों शेयर कर लेंगे, तो अपन ने गेनिंग रेशो यूज करके न्यू रेशो कंप्यूट कर दिया। इसका 7/15 विल बी शेयर्ड बाय x 3/5 और y 2/5, तो 21/75 14/75 इस तरह से इन्होंने इसे शेयर कर दिया। z का शेयर 7/15 गेन्ड बाय x 21/75 गेन्ड बाय y 14/75, टोटल 35/75 को हो या 7/15। अब इसको आपने इनमें ऐड कर दिया गेन्ड अमाउंट को ओल्ड रेशियो में, तो न्यू रेशियो कंप्यूट हो गया ओके। कोई डाउट इसमें, किसी को भी प्रॉब्लम, चलते नेक्स्ट। एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर, उनका रेशो है 4/9 ओल्ड रेशो, 1/3 और 2/9 ये रेशो है। और ये कह रहा है क्वेश्चन में वाई रिटायर्ड एंड सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर, क्लियर है वाई विल गेट रिटायर्ड, वाई रिटायर होगा और अपने शेयर का 1/9 x को देगा, रिमेनिंग z को देगा। तो ये क्लियर कह रहा है y अपने शेयर का 1/3 का 1/9 किसको देगा, x को, और बाकी किसको देगा, z को, यानी 1/3 का 8/9 ऐसा है। अगर कोई लेट टोटल शेयर 1 हो तो अपा इसमें से 1 का 1/9 किसी और को देंगे
वन बाय नाइन, तो दूसरे को कितना जाएगा, वन में से वन बाय नाइन कम कर देंगे तो दूसरे को नाइन एलसीएम लेके तो नाइन माइनस वन एट बाई नाइन जाएगा ना, वन बाय नाइन प्लस एट बाई नाइन कितना बनेगा टोटल शेयर, नाइन बाय नाइन वन बनेगा। अब ये कैलकुलेशन तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी करते थे, लेट फर्म शेयर वन, न्यू पार्टनर को इतना दे दिया तो रिमेनिंग पार्टनर का बचा इतना, वही बात है। अगर पूरा शेयर किसी भी पर्सन का वन है तो उसमें से वन बाय नाइन किसी को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, एक्स को, तो ये किसको दे रहे हैं, जेड को, तो कह रहा है एक्स को अपना वन बाय नाइन दे देगा तो दूसरे को क्या देगा टोटल शेयर में से, एट बाय नाइन, क्योंकि वन बाय नाइन प्लस एट बाय नाइन टोटल शेयर बनता है। तो वही कह रहा है कि ये जो वाई है गेनिंग रेशियो दे रहा है, गेनिंग रेशियो क्या, ये अपने शेयर वन बाय थ्री का एक्स गेन करेगा वन बाय नाइन, इसके वन बाय थ्री को रिमेनिंग कौन शेयर करेगा, जेड। अब रिमेनिंग है कितना, रिमेनिंग ये है वन बाय नाइन, उसको दे दिया तो दूसरे को क्या देंगे, एट बाय नाइन, तो यानी इनका गेनिंग अमाउंट कितना आ जाएगा, तो ये गेन करेगा वन बाय ट्वेंटी सेवन, ये गेन करेगा कितना, एट बाय ट्वेंटी सेवन, तो यही गेनिंग रेशियो है, आप समझ सकते हैं वन इज टू एट, ऐसे इसको आप एट बाय ट्वेंटी सेवन कह सकते हैं। तो 1 बाय 27 उसको दे देगा और 8 बाय 27 उसको, तो 1 बाय 3 दोनों में इस रेशो में ये डिवाइड हो गया, एक हिस्सा उसको दे दिया, टोटल 9 है इसका रेशो, मान लो 3 कह लो या 9 कह लो, 9 1 बाय 3 को आप 9 भी कह सकते हो, 3 बाय 9, तो एक शेयर 1 बाय 9 उसको दे देगा तो बाकी किसको देगा, दूसरे को, 8 बाय 27। अब ऐसा कह रहा हूँ ना, 1 बाय 3 लिख लो या इसे आप 9 बनाना चाहते हैं तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 3 बाय 9 कर सकते हो, तो वो भी एक ही बात है। उसका शेयर कितना कितना जाना है वो मुझे बता रखा है, गेनिंग रेशो 1:8 है, ये क्वेश्चन में क्लियर है कि वो किस रेशो में दोनों को सेक्रीफाइस करेगा, 1:27 और 8:27, कोई डाउट इसमें, समझ आया ना, ये 8:9 कई बार कंफ्यूजन होता है, 8:9 कहां से आ गया, भाई टोटल शेयर वन है, आप उसमें से किसी को सेक्रीफाइस वन बाय नाइन करते हो तो रिमेनिंग यही बचेगा ना, 8:9, एडमिशन ऑफ पार्टनर की स्टोरी है, लेट फर्म शेयर वन, न्यू पार्टनर का शेयर वन बाय नाइन, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 8:9, वो रिमेनिंग 8:9 जेड को जा रहा है, तो 1:9 एक्स को जा रहा है यानी 1:3 का, और 1:3 का 8:9 जेड को जा रहा है, तो ये कितना बना, 1:27, ये 8:27, तो ये गेनिंग रेशो है। तो आप देख सकते हो कि यहां पे गेनिंग रेशो पेपर में गिवन है, तो एक्स का न्यू रेशो क्या होगा, ये तो मैं पहले से बता चुका हूं, न्यू रेशो ओल्ड रेशो प्लस जो गेन्ड अमाउंट है। तो ओल्ड रेशो क्या था इसका, ओल्ड रेशो एक्स का 4:9 और गेन कितना कर लिया उसने, 1:27, और जेड का शेयर, जेड का जो शेयर है न्यू वाला, क्या ओल्ड रेशो क्या है, 2:9 प्लस गेन कर लिया 8:27, तो एलसीएम लेके चलो या इसको भी 27 बना लो 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो 12 ये करोगे 3 × 4 = 12 और ये 1 तो 13:27, इसमें भी एलसीएम 27 लेंगे तो 3 × 2 = 6 और ये 8 14:27, तो इनका न्यू रेशियो एक्स और जेड का क्या रहेगा, ये आ गया 13:27 14:27, तो न्यू रेशियो हमारा रहेगा 13:14। किसी को भी इसमें डाउट है तो बोलो, कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी इसके रिगार्डिंग आपके माइंड में है तो यू कैन रेज इट, बताइए कोई कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग, कोई भी डाउट, देखो तो न्यू रेशो की कैलकुलेशन इस तरह से कि गेनिंग रेशो गिवन है तब भी और नहीं है तब भी, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, उतना लेंथी नहीं है वो, देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, नेक्स्ट टॉपिक नोट्स के अकॉर्डिंग देखें तो पेज नंबर 3 पे गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो में भी वही बात है, फर्स्ट सिचुएशन इफ नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग
न्यू रेशियो इज गिवन और बी सिचुएशन इफ न्यू रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन। देखो अगर पेपर में कोई न्यू रेशियो की इंफॉर्मेशन नहीं तो पहले बताया ना मैंने जो चला गया उसे स्ट्राइक ऑफ कर दो और रिमेनिंग पार्टनर का जो रेशियो है वही क्या है न्यू रेशियो और वही क्या है गेनिंग रेशियो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें एग्जांपल लूं ए बी सी आर पार्टनर 3:1 रेशियो है ओल्ड बी रिटायर हो गया पर हमें नहीं पता कि भाई न्यू रेशियो क्या है तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा। देखो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो क्यों क्योंकि पहले कितने लोग बांटते थे तीन अब कितने लोग बांटेंगे दो तो नेचुरली न्यू रेशियो का जो अमाउंट है वो ग्रेटर देन ओल्ड रेशियो होगा जो न्यू रेशियो है तो वो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और न्यू रेशियो कैसे बताया था मैंने अभी क्वेश्चन किए कि ओल्ड रेशियो में गेनिंग रेशियो ऐड कर दो तो कौन सा रेशियो आ जाता है न्यू। तो पिछले वाली सिचुएशन में जब आप न्यू कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो कर रहे थे तो अपन ने इसको यूज किया अब आप कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो कर रहे हैं तो अपन ने किसको यूज किया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर पेपर में इंफॉर्मेशन नहीं है न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो समझ लो कि न्यू रेशियो भी और गेनिंग रेशियो भी इसको स्ट्राइक ऑफ कर दो बस ए और सी का क्या रहने वाला है 3:1। अभी क्वेश्चन करके दिखाया था मैंने कि भाई अगर पेपर में इंफॉर्मेशन साइलेंट है कौन कितना गेन कर रहा है ये निकालना है बट न्यू रेशियो गिवन नहीं तो बस ओल्ड पार्टनर का म्यूचुअली जो ओल्ड रेशियो है वही गेनिंग रेशियो होगा वही न्यू रेशियो होगा। एक तो थ्योरी है लेकिन इस थ्योरी में अगर न्यू रेशियो गिवन है तो देन ओके तो गेनिंग रेशियो कैसे आ जाएगा न्यू रेशियो ग्रेटर होता न्यू रेशियो देन ओल्ड पुराने तीन बांटते थे अपने तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर दो तो क्या आ जाएगा गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो इस थ्योरी को फॉलो करते हुए एक दो क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल ये थ्योरी वैसे तो ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कोई इजी रहता है गेनिंग रेशियो सॉल्व करना एग्जांपल 8 देख लो थोड़ा और क्लियर होगा। क्या पी क्यू आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3:2 एक एग्जांपल 8 पेज नंबर 3 पी क्यू आर का रेशियो क्या है ओल्ड रेशियो ये बोल रहा है ये रेशियो है पी क्यू आर का 5:3:2 और हमें कह रहा है क्यू रिटायर हो गया और हमें कह रहा है नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग न्यू रेशियो कोई इंफॉर्मेशन न्यू रेशियो की अवेलेबल नहीं तो समझ लो इनका न्यू रेशियो बी और गेनिंग रेशियो बी पी और आर का क्या होने वाला है म्यूचुअली इनका म्यूचुअली रेशियो 5:2 है ना वही क्या होने वाला है वही गेनिंग रेशियो है फ्यूचर में न्यू रेशियो भी वही है। बोलो कोई डाउट क्लियर क्योंकि अपन ये ज्यूम करके चलते हैं नहीं बताने पे कि इन्होंने इसका शेयर कैसे डिवाइड किया होगा 5:2 में किया होगा करके दिखाता हूं। सपोज मैं यहां पे अपने बाकी क्वेश्चन भी किए कि भाई आप यही मान के चलते हैं कि 3:10 जो शेयर है विल बी गेन बाय पी और एंड आर किस रेशियो में 5:2 में और उससे न्यू रेशियो सोल्व करोगे तो वही आएगा 5:2 ही। अगर न्यू रेशियो 5:2 लेके चल लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। सपोज मैं यह कह रहा हूं कि न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो सपोज न्यू रेशियो यही मान लेता हूं पी और आर का कितना 5:2 यही न्यू रेशियो मान लेता हूं तो गेनिंग रेशियो कैसे आता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो चेक कर लो आप गेनिंग रेशियो यही आएगा। बोलो पी का गेन कितना आएगा पी का न्यू रेशियो 5:7 माइनस 5:10 और आर का जो गेन आएगा वो कितना आएगा 2:7 माइनस 2:10 सोल्व करो आप इसे एलसीएम ले लो 70 लेके कर लो तो ये 10 × 5 = 50 माइनस 35 15:70
इधर देखो 10 इंटू टू 20 माइनस करेंगे तो ये 14 आएगा, 7 इंटू टू 14, 6/70, तो आप ये 15:6 कह लो गेनिंग रेशो, ठीक है, यही आया ना, या इसे 3 से कैंसिल कर दो, 5:2 कह लो, एक ही बात है, यानी आप सोल्व करके दिखाओगे यही आएगा। मतलब ये तो मैंने न्यू रेशो के वक्त ही बता दिया था कि अगर इंफॉर्मेशन गेनिंग रेशो की साइलेंट है तो गेनिंग रेशो वही उनका रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो होगा, ये बोला नहीं कौन कितना गेन करेगा क्यू का, तो ये 5:2 ही आएगा गेनिंग रेशो, और यही क्या होगा न्यू रेशो, मैंने जूम करके दिखाया कि 5:2 ही इनका न्यू रेशो है, अगर तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो 5/7 2/7 माइनस 5/10 2/10, तो देखो 15/70 6/70 ये दोनों ने गेन किया, 15:6 कह सकते हो या 5:2, तो वही इनका गेनिंग है और वही इनका न्यू रेशो है अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन साइलेंट है तो। समझ आया एग्जांपल 8, कोई डाउट, करके दिखाने की जरूरत नहीं अगर इंफॉर्मेशन साइलेंट है तो। ओल्ड रेशो ही म्यूचुअली ए और पी और आर का वही न्यू होता है वही गेनिंग होता है, आप करके देख सकते हैं, अपने करके देखा पर सेम रिजल्ट उसमें आपको मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के लिए। ओके, एग्जांपल नंबर 9, क्या कह रहा है 9 में कह रहा है ए बी सी पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो क्या है 1/2 1/3 1/6, और यहां पे कहता है कि आप न्यू रेशो और गेनिंग रेशो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज 6 LCM ले लूं, तो ये 3:2:1 भी लिख सकता हूं ना, 6 LCM लोगे तो ये 3 आएगा, ये 2 ये 1, इट कैन बी रिटन एज 3:2:1। अब यहां पे सिचुएशन ए, केस 1, ए रिटायर्ड हो गया, तो बी एंड सी का न्यू रेशो और गेनिंग रेशो क्या होगा, अगर ए रिटायर हो गया तो इनका म्यूचुअल रेशो 2:1 होगा। सिचुएशन 2, बी रिटायर हो गया तो तो ए एंड सी का रेशो, तो ये 3:2:1 है इस सिचुएशन में, देखो सिचुएशन 2 कौन रिटायर हो रहा है यहां पे, बी, तो उसको छोड़ दो बस, ठीक है ना, उसको छोड़ दो, तो इनका रेशो 3:1 हो जाएगा। वही थर्ड सिचुएशन है कि सी रिटायर हो जाए तो ए एंड बी का रेशियो क्या होगा, 3:1, तीनों का ओल्ड रेशियो है ये, और कौन रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया, तो छोड़ दो, स्ट्राइक ऑफ करो, इनका न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या रहेगा, 3:2, ये न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो सिंपल वही सिचुएशन है जो पहले से बात कर रहा हूं मैं, कि अगर नहीं बताया तो ओल्ड रेशियो ही इनका म्यूचुअली क्या है, न्यू रेशियो है, और वही क्या है, गेनिंग रेशियो है। चलते हैं थोड़ा और आगे, देखते हैं गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन, न्यू रेशो गिवन है तो बस ठीक है, फिर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, नहीं गिवन तो ये स्ट्राइक ऑफ कर देना बस, जो रिटायर हुआ है, बाकी बचा हुआ वही न्यू रेशो और वही क्या है, गेनिंग रेशो है। ये अपने सिचुएशन की पहले से डिस्कशन की, देखते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 की डिस्कशन करते हैं, एग्जांपल 10, पेज नंबर 4 ऑफ द नोट्स। चलो, कह रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर, इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 1/2 3/10 और 1/5, ये रेशियो है। वाई wants to get retired, why जाना चाहता है, x and z decided to share future profit and losses in ratio 3:2, चलो वो तो मैं discuss कर लूँगा, पर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 10 LCM लेके, 10 LCM लूँगा, तो इनका ratio क्या है, 5:3:2 बनेगा, यानी कि ये ratio है 5:3:2, ये old ratio है, जा कौन रहा है, y जा रहा है, न्यू रेशो मुझे एक्स और जेड का गिवन है, न्यू रेशो कितना गिवन है, न्यू रेशो 3:2 गिवन है पेपर में, तो आपको अगर गिवन है फिर तो गेनिंग रेशो सोल्व करने में दिक्कत ही क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो यही तो गेनिंग रेशो होता है, तो आप बताओ एक्स का गेन कितना है, एक्स का रेशो 3/5 न्यू वाला, ओल्ड वाला 5/10, जेड का गेन देखो
z का न्यू रेशियो 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो 2/10, तो एलसीएम 10 लेके 6 - 5 1/10 और 10 देखो तो 4 - 2 2/10। ये देखो x का 3/5 न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो 5/10 कह लो या 1/2 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो x का गेनिंग रेशियो आप इस तरह भी निकाल सकते हो, और कर देता हूं। क्या आप कहोगे कि सर 3/5 उसका न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो 1/2, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 एलसीएम लेके देखो कितना आ जाएगा। 10 एलसीएम लेंगे आप, 6 - 5 1/10 वही आ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 3/5 लेके 3/5 - 5/10 कर लो या 1/2 कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम एक ही सिचुएशन है। चलो तो आप देखो इसमें इन दोनों ने गेनिंग रेशियो क्या किस तरह से गेन किया, 1/10 2/10, तो गेनिंग रेशियो क्या है 1:2, किसका, एक्स और जेड का। बोलो कोई भी डाउट, बहुत ही सिंपल है, गेनिंग रेशियो में कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा आपको, सिंपल है ये। ओके और देखते हैं कोई सिचुएशन इसी में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11 की डिस्कशन करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, देखना पेज नंबर 4 ऑफ द नोट्स। एसटीयू पार्टनर है, एसटीयू आर पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो क्या है इनका 2/5 2/5 और 1/5। ओके ये इनका रेशियो है। यू वॉन्ट्स टू गेट रिटायर्ड, यू जा रहा है फर्म छोड़ के। ओके एस एंड टी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन टू वन, तो अपने को इनका ओल्ड रेशियो में 2:1 भी लिख सकता हूं, ये जा रहा है, और हमें न्यू रेशियो गिवन है पेपर में, न्यू रेशियो गिवन है, एस और टी न्यू रेशियो गिवन है, किस रेशियो में बांटेंगे 2:1 में। तो सिंपल फिर क्या इश्यू है, न्यू रेशियो गिवन है, तो आप देख सकते हो एस का गेन कितना है, एस का न्यू रेशियो कितना 2/3 - ओल्ड रेशियो 2/5 एस का, और टी का जो गेन है वो कितना है 1/3 - 2/5 यही कह रहा है। तो आप एलसीएम लेके कर लो, 15 एलसीएम लेते हो आप तो 10 - 6 यानी 4/15, और आप 15 - 5 - 6 अच्छा इसका देखना एलसीएम 15 लेते हैं, 15 एलसीएम 2/6 - 2/5 तो 15 एलसीएम लेंगे तो 10 - 6 4/15 रहा 4/15, और इसका देखेंगे तो आप देखो 1/3 - कितना है 2/5 तो 15 एलसीएम लेंगे तो ये कितना रहेगा 5 - 6 - 1/15 यानी कि गेन नहीं है तो सैक्रिफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है इसका मतलब। अच्छा ये इशू है इस क्वेश्चन में 11 में, ध्यान से देखना, यानी आप देखो कि ये किस तरह गेन और शेयर कर रहे हैं। आप देखो यहां पे टी गेन नहीं कर रहा, उल्टा टी भी क्या कर रहा है 1/15 सैक्रिफाइस कर रहा है, गेन सिर्फ कौन कर रहा है एस, और 1/5 वो भी क्या कर रहा है यू भी क्या है सैक्रिफाइस कर रहा है। तो आप देखो सैक्रिफाइस करने वाले दो, ये तो छोड़ के जा रहा है यू, प्लस टी का शेयर और बढ़ रहा है। तो आप देखो कि गेन रेशियो किसने किया, गेन बाय एस कितना 4/15 किसने गेन किया सारा एस ने, और सैक्रिफाइस बाय यू, यू ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/5, और सैक्रिफाइस बाय टी, टी ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/15। इसको मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 15 डिनोमिनेटर को बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 1/5 × 3/3 यानी कि 3/15। ध्यान से देखो तो 3/15 + 1/15 4/15 गेन्ड बाय सैक्रिफाइस बाय U एंड T, दोनों ने 4/15 सैक्रिफाइस किया, गेन किसने किया सिर्फ S ने,
एस ने 4/15 गेन किया, कल को गुडविल की एंट्री में ये जो गेन करता है इसकी कैपिटल काटी जाएगी, डेबिट किया जाएगा और इन दोनों को क्रेडिट किया जाएगा, किसको, टी को भी और यू को भी। तो इन दोनों ने सैक्रिफाइस, यानी इसका रेशियो भी क्या हो रहा है बेचारे का, टी का भी रेशियो कम हो रहा है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, शॉर्टकट देखना, यानी एस टी यू का शॉर्ट में देखना है तो ओल्ड रेशियो क्या है, 2/5, 2/5, 1/5 इन परसेंटेज, ओल्ड रेशियो इन परसेंटेज लिखूं तो 2/5 को 40%, 40%, 20% लिख सकता हूं ना, 2/5 एक ही बात है, इसको 2/5 कह दो तो ये 0.4 आ गया, इनटू 100 कर दो तो 40% भी लिख सकते हैं। 40% का मतलब क्या होता है, मैथ्स करते हो आप, 40/100 ही तो होता है, 2/5 ही तो होता है भाई। आप 2/5 को आप इनटू 100 कर देंगे तो 40% लिख लो, 40/100 ही होता है इसका मीनिंग। तो ये तो इनका क्या था, पूरा प्रॉफिट जो आएगा वो 40, 40, 20 बांटेंगे, लेकिन न्यू रेशो जो है एस और टी का न्यू रेशो वो है 2:1। इसको मैं 2/3 और 1/3 लिखूं तो न्यू रेशियो इन परसेंटेज कितना लिखूं, 66.66%, इसका 33.33%। 2/3 × 100, 1/3 × 100 परसेंटेज में लिखूं तो कितना बनता है, ये 66.67 ही बनेगा। 1/3 को आप परसेंटेज में लिखो तो 33.3 या 33 और 1/3 लिखते हो आप, एक ही बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको यहां से पता लगेगा कि 40 की जगह ये 66, इसका तो 26% क्या है, इसका तो गेन और सैक्रिफाइस, देखो इसका तो 26.67 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका देखो 40 की जगह बेचारे का 33 रह रहा है तो 6.67% इसका क्या हो रहा है, माइनस। ये तो कुछ भी नहीं मिल रहा, इसका तो सारा का सारा माइनस ही हो रहा है 20%। तो ये 20% छोड़ के जा रहा है, मतलब देखो ऐसा है, जितना ज्यादा सोचोगे ना, माइंड को खोलो अपने, जितना ज्यादा सोचोगे माइंड में पिक्चर उतनी ही अच्छे से क्लियर होगी, शायद कभी मेमोरी में से वो निकले भी ना, जरूरी थोड़ी है फॉर्मूला लगाते रहने हैं। मैंने वो प्रॉफिट का फॉर्मूला लेके भी गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो स्टार्टिंग में इसीलिए बताया ताकि इस तरह की कोई कंफ्यूजन माइंड में ना रहे। तो मैंने इसे परसेंटेज में लिखा 2/5, 2/5, 1/5 को तो ये 40%, 40%, 20% और न्यू रेशियो 2:1 को भी परसेंटेज में लिखा एस एन टी के, तो इसका तो बेचारे का शेयर ही नहीं चला ही गया यूं। तो 2/3, 1/3 को 66.67 और 33.33, देखो 40 मिलता था अब 66.67, तो 26.67 बढ़ रहा है, इसका 40 की जगह 33.33 यानी इसका 6.67 कम हो रहा है, इसका 20% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप देखो इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया 6.67% और 20%, और इसने टोटल गेन किया 26.67%। परसेंटेज में लिखा तो देखते ही पिक्चर क्लियर होगी, अपने को ये फॉर्मूले लगाने ही नहीं पड़े, ठीक है ना, इजिली पता है। पर आप फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले लगाओगे तब भी आपकी ये कैलकुलेशन बताती है कि यू ने सैक्रिफाइस किया है 1/5 यू ने, और टी ने भी सैक्रिफाइस किया है 1/15, तो इसके 1/5 को कैन बी रिटन एज 3/15, तो 3/15, 1/15 दोनों ने 4/15 सैक्रिफाइस किया और गेन किया, किसने, सिर्फ एस ने, कल को गुडविल की एडजस्टमेंट करते वक्त एस को ही डेबिट किया जाएगा। तो वो तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ लेंगे, क्लियर है, बोलो कोई भी डाउट, समझ आ रहा है, कोई भी डाउट इसमें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 5। राम, श्याम और शिव आर पार्टनर, कौन कौन, राम, श्याम, शिव, सब ने पार्टनरशिप कर ली। ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 25, 15 और 9। हमें कह रहा है श्याम वॉन्ट्स टू गेट रिटायर, श्याम जाना चाहता है,
और उन्होंने डिसाइड किया राम शिव जो रेशो फ्यूचर में बांटेंगे वो वही होगा जो श्याम और शिव का है। अच्छा, अब ये रिटायर हो जाएगा, ये कह रहा है ये रिटायर हो जाएगा, ओल्ड रेशो ये है, फ्यूचर में कौन राम और शिव रह जाएंगे, तो इनका न्यू रेशो राम और शिव का वही होगा जो किनका है ये रेशो, वो रेशो श्याम और शिव का, यही रेशो ही इनका न्यू रेशो होना चाहिए बिटवीन राम एंड शिव, यानी एक सेम एज श्याम और शिव बिटवीन है वही रेशो रहना चाहिए, यानी इनका न्यू रेशो 15:9 होगा। बस इस तरह कह रहा है कि भाई अगर देर आर थ्री पार्टनर राम श्याम शिव शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 25:59 और श्याम वांट्स टू गेट रिटायर्ड एंड राम एंड शिव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एज इक्वल टू प्रॉफिट इन पास शेयर्ड बाय श्याम एंड शिव रिस्पेक्टिवली, तो श्याम और शिव ने कैसे बांटे पास्ट में प्रॉफिट आपस में इन दोनों ने 59, तो ये फ्यूचर में राम शिव कहते हैं हम भी कैसे बांटेंगे 59, तो अपने को यहां न्यू रेशो दे दिया है, यही रेशो 59 ही इनका न्यू रेशो होगा, ये इन्होंने डिसाइड किया है राम शिव ने आपस में, तो आपको गेनिंग रेशो कैसे आना है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो कोई इश्यू नहीं है। राम का गेन देख लो कितना, न्यू रेशो 15:24 देख लो, 15:24 माइनस 25:49 ओके, और यहां शिव का गेन देख लो, शिव का गेन कितना है, न्यू रेशो 9:24 और इधर 9:49। आपको एलसीएम लेने में दिक्कत आती है तो आप देखो 24 और 49 का आपने एलसीएम लेना है, 24 और 49 का एलसीएम, तो ये 2 से कैंसिल नहीं होते, 3 से कैंसिल नहीं होते, तो आप ऐसा करो अगर ये 3 से भी नहीं 7 से भी नहीं हो रहे तो आप इसको क्या है मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप इसको तो देखो कैंसिल हो जाएगा क्या, इसको सेम बनाना है आपने, ये आप ऐसा करो अगर दिक्कत हो तो मल्टीप्लाई करके ले लो, नहीं तो आप ना इसको 24 और 49 को ऐसे किसी से डिजिट से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या आ जाए सेम आ जाए, वरना इसमें दिक्कत लगती है सेम बनाने में, तो छोड़ो आप 24 × 49 को मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर है तो भी ठीक, नहीं तो भी आप कर सकते हो, तो आप इसका एलसीएम लेंगे 1176 एलसीएम, तो करो आप देखो 1176 है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर ली, एलसीएम बन नहीं पा रहा, तो अपन ने मल्टीप्लाई किए तो अपन ने देखा 24 से डिवाइड करोगे तो ये 49 ही बनेगा, क्योंकि 24 और 49 की मल्टीप्लाई है, तो आपका ये 49 × 15 कितना बन जाएगा 735, और ये 24 ही बनेगा 11 को करोगे तो 24 × 25 तो ये 600 माइनस होगा तो 135/1176, ये भी 1176 मल्टीप्लाई किया तो ये 49 बनेगा, तो 49 × 9 क्या बना 441, और इसको करेंगे तो 9 × 24 करेंगे तो ये 216। देखो वो तो मैथमेटिक्स है, इसमें अकाउंटेंसी का कहाँ रोल है, 225/1176 कैंसिल नहीं होते तो मल्टीप्लाई करो शॉर्टकट, चलो 24 × 49 का मल्टीप्लाई करके आया वही एलसीएम ले लिया बस, तो गेनिंग रेशो क्या रहा किसका, राम का और शिव का, ये गेनिंग रेशियो 135/1176 225/1176 तो इनका गेनिंग रेशियो 135/225 रहेगा। बोलो कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, ये 3 से कैंसिल हो सकता है तो आप इसको 3 से कैंसिल करोगे तो ये 45 और ये 75 और शॉर्ट हो सकता है, 45 75 और शॉर्ट करें तो इसको क्या 5 से कैंसिल कर ले 9 और इसको 15, आप इस तरह कैंसिल करते जाओ, और शॉर्ट करना है तो इस गेनिंग रेशियो को आप 3 और 5 भी लिख सकते हो, ठीक है ना,
तो मतलब उसको शॉर्ट में लिखना चाहो 3:5 कर सकते हो, 135:225 को शॉर्ट करते चले जाओ तो वो 3:5, क्योंकि ये 45 से डिवाइड होता है, ये भी 45 से, तो ये 3 और ये 5 बन जाएगा ऐसे। नहीं तो आप ऐसे ही लिख दो 135:225 रेशियो, कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए, ये तो चलो मैथमेटिक्स है कि आपने एलसीएम लेके सोल्व करना है। क्वेश्चन ये था कि राम श्याम शिव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 25:59 रेशियो एंड शी वॉन्ट्स टू गेट रिटायर्ड एंड राम एंड शिव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज एज इक्वल टू प्रॉफिट शेयर्ड बाय श्याम एंड शिव इन पास्ट एज 15:9। तो 59 में ये फ्यूचर में रेशियो शेयर करना चाहते हैं, ये न्यू रेशियो है 59, इनका न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो 25 और ये 59 था। तो आप उसको सोल्व करते चले गए, 15/24 माइनस इनका ओल्ड रेशियो क्या है 25/49, इसका 9/49, तो उसको यूज किया, क्योंकि ये एलसीएम सही से नहीं ली जा रहा था तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया शॉर्टकट, 24 × 49 = 1176 LCM लिया और उसको लेके अपना ये 135/1176 तो रेशियो 135/225 बन गया। यहीं छोड़ दो, ये से और शॉर्ट कर सकते हो, सेम फिगर इसमें 45 से कैंसिल कर दो या एक बार 5 से कर लो और कम करते चले जाओगे, तो इस तरह से हो जाएगा ये 3:5। एनी डाउट? ओके, चलते हैं रेशियो से रिलेटेड लास्ट कैलकुलेशन के लिए। एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 5 देखते हैं क्या हमें कह रहा है। आर एस टी यू आर पार्टनर, इनका जो ओल्ड रेशियो है 6:4:2:8, ये इनका रेशियो है। आर वॉन्ट्स टू गेट रिटायर्ड, आर जाना चाहता है फर्म से और उसका शेयर एस एंड टी लेंगे 6:4 में अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट। आर शेयर 6/ क्या हो गया, आप इसको ना एक बार इसको मैं पहले इस तरह भी लिख सकता हूं, देखो 6/20, 4/20, 2/20 और 8/20। तो इसका शेयर, आर का शेयर कौन लेंगे, एस और टी, यानी यू नहीं ले रहा, 6:4 में ये दोनों बांटेंगे, यानी आर शेयर क्या है 6/20 गेंड बाय एस एंड टी 6:4 में। यू का शेयर बदलेगा नहीं क्योंकि यू कुछ भी गेन नहीं कर रहा, यानी गेनिंग रेशियो क्या है एस और टी के बीच में है 6:4, ये गिवन है, यू गेन नहीं कर रहा, यानी एस विल गेन फ्रॉम आर। एस कितना गेन करेगा, आर का जो शेयर है वो है 6/20, इसको गेन करेगा ये 6/10 और टी विल गेन फ्रॉम आर, वो आर का शेयर 6/20 जो है छोड़ रहा है वो किस रेशियो में 4/10 में गेन करेगा। तो आप 36/200 कह सकते हो, इसको 10/200 कह सकते हो, ये इन दोनों ने गेन किया है, किसका शेयर आर का, ये क्वेश्चन में बता रहा है जो आर का शेयर है कितना 6/20 कह लो, या इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम फिगर से मल्टीप्लाई करो तो आप 10 से करो तो 60/200 कह सकते हो, गेंड बाय एस और गेंड बाय टी, दोनों कितना कितना गेन कर रहे हैं, ये कर रहा है 36/200, ये कर रहा है 10/200, तो ये कितना आ गया, कुछ एरर है क्या, 36 और ये मल्टीप्लाई में, ये 10 नहीं है, ये है मल्टीप्लाई 24/200। तो आप देखो आर का जो शेयर है वो आप 36 और 24 को जोड़ो 200 + 24/200, तो 60/200 कह लो या 6/20 कह लो, एक ही बात है, ये दोनों ने गेन कर लिया है, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो इनका न्यू रेशियो क्या होता है आपको पता है, ओल्ड रेशियो प्लस गेन्ड अमाउंट, गेन्ड शेयर ऐड कर दो,
तो आप देखो यहां पे इस इंफॉर्मेशन से कि एस का न्यू रेशो क्या रहेगा। एस का जो ओल्ड रेशो है वो 4/20 है, देखो 4/20 गेन करेगा 36/200। तो एलसीएम 200 लेके चलो तो ये 40 बन जाएगा और ये 36 यानी 76/200। और टी का न्यू रेशो देखो तो ओल्ड रेशो क्या है, टी का ओल्ड रेशो कम था ना तो नए वाला रेशो तो ज्यादा होगा गेन की वजह से 24/200। एलसीएम 200 लेंगे आप तो आप देखो 10 20 + 24 44/200। और यूज न्यू रेशो तो क्या है, सेम एज ओल्ड रेशो क्योंकि उसने कुछ भी गेन नहीं किया, 8/20 कह लो या इसको भी 200 बनाना है तो 80/200 कह सकते हो। तो आप एस टी यू का जो न्यू रेशो देखते हैं वो न्यू रेशो क्या देख रहे हैं आप, 76/200, 44/200 और 80/200। यानी आप इनका न्यू रेशो एस टी यू का 76, 44 और 80 कह सकते हैं। इसका बेचारे का रेशो तो सेम है यू का, 80/200 कह लो या 8/20 पूरा नहीं है, इसको और शॉर्ट में लिखना है तो आप 2 से कैंसिल कर दो, 2 से क्या 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 19, ये 11 और ये 20 इनका न्यू रेशो है। और शॉर्ट कर दो इसे, कॉमन लेके फैक्टर डिवाइड कर दिया 4 से, इस तरह से 19, 11, 20 ये बन गया है। क्लियर? तो आप ये न्यू रेशो, ओल्ड रेशो, गेनिंग रेशो, ये सारे कंसेप्ट को इन क्वेश्चन से अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इसके पीडीएफ नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच हैं, आप उसे डाउनलोड करें, देन आफ्टर यू विल बी एबल टू अटेंड क्लास। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी क्या है आप वेट कर सकते हैं, नेक्स्ट रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन प्लस वन लेवल की क्लासेस सारी हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की होंगी। ओके, थैंक यू।